चलो दुमदार सितारों चलो। 1979 में एल्स्ट और पिजारो नामी साइंसदान ने एल्स्ट पिजारो ऑब्जेक्ट की तस्वीर खींची। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इसी इन दोनों साइंसदानों के नाम पे इस ऑब्जेक्ट का जो है वो नाम रख दिया गया इनों के काम को सराहने के लिए। और इस ऑब्जेक्ट की खास बात यह है, अजीब बात यह है कि ये शुरू में जब दरियाफ्त हुआ था इसको एज ए कॉमेट जो है ना वो रजिस्टर कर लिया गया था कि ये एक कॉमेट है, जिसको माइनर प्लैनेट भी कहते हैं। लेकिन बाद में जब मजीद रिसर्च हुई तो पता चला कि ये कॉमेट है और इसको कॉमेट का दर्जा दे दिया। लेकिन फिर काफ़ी अर्सा तक इस चीज़ पर बहस चलती रही कि ये कॉमेट है या फिर एस्ट्रॉयड है, क्योंकि इसमें दोनों एस्ट्रॉयड और कॉमेट की खसूसियात थी, तो इसलिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा है। एक एस्ट्रॉयड जो है वो एक पथरीली बॉडी होती है जो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही होती है, और उसका जो ऑर्बिट होता है वो ज़्यादा लंबा भी नहीं होता। लेकिन जो एक कॉमेट होता है वो बर्फीला होता है, वो बर्फ़ का बना होता है, और वो सूरज के गिर्द बहुत लंबा चक्कर लगाता है, और सूरज के पास से जब वो गुजरता है तो वो जो बर्फीली उसकी बॉडी होती है वो थोड़ी सी मेल्ट होके एक दुम टाइप बनाती है, जिसे वकार भाई सही तरीके से कहते हैं दुमदार सितारे। अब इसके अंदर दोनों खसूसियात इस तरह थी कि ये पथरीला भी था और इसकी धूम भी थी। अब ये एस्ट्रॉयड हुआ या कॉमेट हुआ, ये इन दोनों की क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। इसको मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के आसपास दरियाफ्त किया गया था शुरू, लेकिन फिर बाद में इस टाइप के और भी ऑब्जेक्ट्स मिल गए जिनको मेन बेल्ट कॉमेट्स कहा जाता है। उसमें एस्ट्रॉयड्स की भी खसूसियात होती हैं और एक कॉमेट की खसूसियात भी होती है। और एल्स पिजारो और इस जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो मेन बेल्ट कॉमेट्स हैं वो आज तक एक मिस्ट्री हैं कि वो कॉमेट हैं या एस्ट्रॉयड, और शायद हमें इसके बारे में अभी ना पता चले और काफ़ी आगे जाकर पता चले। और कल की एपिसोड जो है वो लास्ट एपिसोड है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे टैबी स्टार, एक ऐसा जिबगरी प्लैनेट जिस पे बड़े माहरीन सोचते हैं और शायद उनको यकीन भी है कईयों को कि इस पे कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म रहती है या नहीं, इस बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय। दुमदार सितारे।